हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे मेरे प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? आई थिंक तो कुछ बढ़िया होगा। और हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, अपने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 है, एक्सरसाइज 9.3 और क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन देखो नीचे लिखा हुआ है, मैं इसको आप आगे ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या करना है आपको, फाइंड द प्रोडक्ट, मतलब यहाँ देख लो क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ, मैं यहाँ लिखता हूँ। प्रोडक्ट निकालना है किसका, इसका 3 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वन क्वेश्चन है यहाँ पे, ए स्क्वायर, ठीक है, फिर टू ए टू द पावर 22, ओ माई गॉड बहुत पावर है, फिर 4 × 8 to the power 26। ये देखो, इसका चाहिए आपको प्रोडक्ट, चाहिए मल्टीप्लीकेशन। आसान है, कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था तीन चीज, सबसे पहले साइन, फिर नंबर, फिर वेरिएबल। ये तीन बात का ख्याल आपको रखना है हर बार। तो साइन तो सबका पॉजिटिव ही है, तो साइन यहाँ पे प्लस ही रहने वाला है। नंबर्स की बात करेंगे तो नंबर देखो, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, ठीक है। और वेरिएबल में ए ए और ए, तीनों जगह ए ही है, तो क्या करते हैं पावर को काउंट कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिर्फ पावर उनका ऐड होगा। तो यहाँ पे पावर कितना है, 26, मैं 22 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48, और ये वाला 2, तो 50, तो ए का पावर कितना हो जाएगा, 50। देखो मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, 1 मिनट। सारा दिन बैठे बैठे ना, मतलब पैर मोड़े मोड़े, मत पूछो। लेकिन इतना कुछ मैं किसके लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड करो। क्लास 8 का डेडिकेटेड चैनल है, ठीक है ना। क्लास 8 के लिए ऐसा कोई चैनल नहीं है जहाँ पे इतने सारे कंटेंट मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको लगभग सारे कंटेंट मिल जाएंगे धीरे धीरे। और कोई मतलब ऐसा तो कोई है नहीं कि पढ़ने या फिर समझाने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, लगभग मैं सब कुछ समझा देता हूँ, जो डाउट होता है मैं वही बताता हूँ, तो उसके लिए टेंशन नहीं करना। कहीं से कोई भी डाउट हो आप मेरे को पूछ सकते हो, मैं लास्ट में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि बच्चे पढ़ें और सीखें समझें। ओके, 2/3 xy −9/10 x²y², ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करना है, साइन की बात आ गई। देखो साइन तो यहाँ पे है माइनस और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। लिखते चलते हैं, ठीक है, लिखते चलते हैं माइनस, ठीक। अब नंबर की बात करते हैं, नंबर कितना है, 2/3 और यहाँ पे कितना है, 9/10, ठीक है। देखो एक ऑर्डर में आपके स्कूल में टीचर टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, मेरे को उससे मतलब नहीं है, सारे टीचर पढ़ाते हैं। मैंने वो मेथड देखा है जो मेथड सबसे आसान है, जिसको बच्चे एक बार में सीख सकते हैं, ठीक है ना। इसके सॉल्व करने के मेथड बहुत सारे हैं, आंसर तो वही होगा। तो पहले साइन की बात हमने कर लेनी है, फिर नंबर लिख लिया, अब वेरिएबल। तो वेरिएबल में एक्स यहाँ पे है और x² यहाँ पे है, तो क्लियरली है कि x³ हो जाएगा, क्योंकि x² और x मिलकर x³ हो जाएगा। फिर y² और y मिलकर क्या हो जाएगा, y³ हो जाएगा। अब थोड़ा सा एक एक और स्टेप बढ़ जाओ और नंबर को भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं। देखो 3 × 3 = 9, 2 × 5 = 10, तो −3/5 x³ y³। भाई काटने आता है ना नीचे से नीचे ऊपर से, ये कैसे काटा जाता है। तीसरे नंबर की बात करते हैं, थर्ड में है −10/3 PQ³, ठीक है, होल क्यू में सिर्फ क्यू है, इसको मल्टीप्लाई करना है 6/5, ठीक है, PQ³। अभी समझना है आपको बात, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। चलो तो फिर साइन की बात आ गई, तो देखो माइनस यहाँ पे और यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा भैया मेरे, माइनस हो जाएगा, ठीक। अब नंबर की बात कर लेते हैं, तो नंबर 10/3 और यहाँ पे कितना है, 6/5। अब बात कर लेते हैं वेरिएबल की, तो देखो पी यहाँ पे और पी क्यू यहाँ पे, तो पी का पावर 3 और फिर यहाँ पे पी का पावर 1, तो पी का पावर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। क्यू का पावर 3 और क्यू का पावर 1 यहाँ पे, तो क्यू का पावर कितना हो जाएगा, 4। देखो पावर को हमेशा हम ऐड करते रहेंगे, सिर्फ पी का पावर जहां जितने भी हैं उन सबको क्या करेंगे, धीरे धीरे ऐड कर लेंगे, ठीक। हो गया, अब क्या करते हैं कि माइनस तो रह ही जाएगा हमारे पास में, है ना, माइनस तो रह गया आपका। और अब देखो कैंसिल कर लेते हैं, 3 × 2 = 6,
फाइव टू जा टेन, मतलब नीचे कुछ भी नहीं बचा, जो बचा ऊपर, तो फाइव टू जा टेन बचा हुआ है, ठीक है, सॉरी सॉरी ये फाइव नहीं, ये टू, ये वाला टू, ये फाइव नहीं, ये फाइव, ये वाला टू और ये वाला टू, टू जा फोर, पी का पावर फोर, क्यू का पावर फोर, सही है। चलिए अच्छी बात है, क्वेश्चन नंबर चार, चार में आपके पास है एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर फोर, है ना। तो यहाँ पे नंबर तो है ही नहीं, साइन तो है ही नहीं, भूल जाओ, सिर्फ एक्स है तो एक्स ही लिखेंगे हम लोग, और पावर को ऐड कर लेते हैं। तो देखो एक यहाँ पे, दो यहाँ पे, तीन और तीन छः चार दस, काम खत्म, ठीक है, ये क्वेश्चन तो हो गया। अब चौथा क्वेश्चन क्या देख लेते हैं, अगर होने वाला हो तो चलो, चौथा क्वेश्चन क्या करें भाई, देख लें, इसमें छोड़ दें, वन मिनट टाइम देख लेता हूँ मैं, टाइम छः मिनट का हो गया, तो इस क्वेश्चन को यहीं पे ब्रेक कर देते हैं, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें थोड़ा समय लगेगा, आपको समझाना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन में, चौथे, तो तीसरे क्वेश्चन को हम यहीं पे ब्रेक कर देते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर देखिए नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब वंस मोर आई एम टेलिंग यू, अच्छा लग रहा है भाई तो जरूर बताना, कमेंट करके लाइक जरूर किया करो, मैं बार बार बोलूंगा नहीं, और सब्सक्राइब तो करना ही है आपको, आपका चैनल है तो कौन सब्सक्राइब करेगा भाई, ठीक है, बाय, टेक केयर।